हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ व्रत वाला डोसा, जो कि हम साबूदाना और मूंगफली से बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आसानी से बन जाता है, आप झटपट बना सकते हो इसको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इधर मैंने लिया है साबूदाना 250 ग्राम, और इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे। तो ये मीडियम आँच पर हम इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। तो इसका इतना ध्यान रखिएगा कलर नहीं चेंज होना चाहिए। अगर कलर चेंज हो जाता है ना, तो ये फिर पीसेंगे तो इसका कलर वाइट नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से, मीडियम आंच पे ही रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए रोस्ट हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में अपना मूँगफली का दाना भी रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसका हमको छिलका निकालना है। तो देखिए ये छिलका निकलने लगा है। तो इसी तरह से हम इसको रोस्ट करने के बाद हटा लेते हैं, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये साबूदाना है, तो इसका हम एक पाउडर बनाएंगे। तो चलिए मिक्सी में पीस के इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो अब व्रत रखते हैं, अगर करते हैं 9 दिन का करते हैं, या मतलब पहला आखिरी भी करते हैं कुछ लोग, तो 9 दिन का भी करते हैं, तो आप पीस के इसको रख सकते हो, और जब भी खाने का मन हो तो आप बना सकते हो। तो देखिए इसका पाउडर बन के हो गया तैयार। तो आप देख सकते हो एकदम बारीक पाउडर अच्छे से ये बन गया। अगर रोस्ट नहीं करते तो ये पाउडर नहीं बनता जल्दी से। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये अच्छा सा ये पाउडर बन के हो गया रेडी। तो इसको निकालने के बाद चलिए हम इसको देख लेते हैं, और इसी में हम जो मूंगफली मैंने ली थी उसको भी हम पीस लेते हैं पाउडर फॉर्म में। तो उसका मैंने छिलका हटा दिया था, और इसको भी पीस लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं ये। तो ये भी पाउडर फॉर्म में अच्छा हो गया है। तो अब दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये व्रत में खाने वाला डोसा है, तो आप बनाइए और इन्जॉय करिए। तो अब इसमें पानी डाल के हम अच्छा सा इसका घोल तैयार करेंगे। जिस तरह से हम डोसा का बैटर रखते हैं, उसी तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है। वैसे हम लोग साबूदाना पकाएं या जो भी करें तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है, तो इसी तरह से इसमें भी। तो इसमें हम थोड़ा सा लगभग 150 ग्राम तक हम दही डालेंगे। तो दही हमारा खट्टा भी नहीं है और मीठा भी नहीं है, हल्का सा खट्टा दही है। तो इसको डाल लेते हैं, तो इसे अच्छा सा बन के तैयार होगा। तो दही भी मैंने मिक्स कर दिया है, और इसको देख लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट बैटर बन के हमारा हो गया है तैयार। तो इसको थोड़ा सा हम रखेंगे। अब इसको कवर करके हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक ये मैंने आलू लिया था आधा किलो, 500 ग्राम मैंने आलू लिया था। तो इसको बॉईल करके मैंने छील के और फोड़ लिया। अब कढ़ाई में डाल रहे हैं हम घी। तो आप जो भी ऑयल व्रत में इस्तेमाल करते हैं उसमें आप बना सकते हो। तो मैं इसमें घी में बनाऊँगी, घी का इस्तेमाल करूंगी। तो इसमें डालना थोड़ा सा जीरा, और ये मैंने हरा धनिया और मिर्चा का पेस्ट बना लिया था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और व्रत में अगर आप कुछ भी मसाला खाते हो तो इसमें डाल सकते हैं, मैं यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। अब इसमें डाल देते हैं व्रत वाला नमक, और इसको भी मिला देंगे थोड़ा सा। उसके बाद ले लेते हैं हम भुना जीरे का पाउडर, वो आधा चम्मच हम इसमें मिला देते हैं। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब उसके बाद हम इसमें मिला लेते हैं आलू जो मैंने लिया था। तो ये व्रत वाला आलू भी तैयार हो गया है। तो आप ऐसे भी इसको दही के साथ खा सकते हैं। और चलिए अब अच्छा सा तैयार हो गया आलू हमारा। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको किनारे रख देते हैं, देखते हैं अपना बैटर। तो देखिए अभी अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम बनाएंगे डोसा। तो अब इसमें मिला लेते हैं थोड़ा सा नमक। तो ये भी व्रत वाला नमक है, तो थोड़ा सा हम मिला लेते हैं हल्का सा। और इधर मैंने गैस पर रखा है डोसे वाला तवा, तो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको अच्छे से पोंछ देते हैं। तो डोसा हमारा आसानी से फैल जाता है, और ज़्यादा हाई फ्लेम होती है ना, तो डोसा फैलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए अब भी तवा थोड़ा सा गर्म ही है हमारा,
ये तवा जो होता है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो इस तरह से मोटा पतला आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो आप देख सकते हो ये डोसा थोड़ा सा मोटा बन के तैयार हुआ है। तो इसमें मैंने घी का इस्तेमाल किया है, तो जितना भी आप क्रिस्पी बनाना चाहें आप बना सकते हो तल के। तो मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ही रखूँगी, और ज़्यादातर ये सॉफ्ट ही रहता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता है। उसके बाद हम बनाते हैं, तो इसको हम ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप ऑयल अगर घी वाला खाना चाहते हैं तो घी वाला ही बना सकते हैं, और घी नहीं खाते हैं ऑयल नहीं खाते तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बिल्कुल घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया किसी का भी। तो ये हमारा ये भी डोसा बन के हो गया रेडी। तो इसी तरह से आप व्रत में डोसा बना सकते हो। तो चलिए अपनी प्लेट तैयार करते हैं हम। तो इधर मैंने जो दही लिया था, दही में थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक मिला के बना लिया, और आलू भी तैयार है। इधर हमारा डोसा तैयार है, तो आप इंजॉय करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉचिंग।